वन एंड टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइपोफेक्शन लाइपोफेक्शन को हम लिपोजोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या फिर लिपोजोम एन कैप्सुलेशन भी बोला जाता है सो so, लाइपोजोम्स क्या होते हैं लाइपोजोम्स एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक बहुत ही माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं विच आर स्वेरिकल बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका एंड वो किसके बने होते हैं वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड की क्या होती है बाई लेयर होती है एंड उसके अंदर क्या होता है होलो सेंट्रल स्पेस होता है सो so, जैसे आप देख रहे हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास लिपिड की क्या हो गई बाई लेयर हो गई एंड इसके अंदर का जो ये येलो इश पार्ट में बना रही हूँ ये क्या है खाली है होलो है खोखला है तो इसके अंदर आप जो सेंट्रल स्पेस देख रहे हैं वो होलो होता है तो यहाँ पर हम जो है अपना जो भी अपना जो डिज़ायर डीएनए है इसको यहाँ पर अंदर इसको एंट्री करा सकते हैं ठीक है जी सो so, लाइपोजोम्स क्या होते हैं लाइपोजोम्स बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं जो कि स्फेरिकल बॉल लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है एंड वो लिपिड बाइलेयर के बने होते हैं एंड उनके अंदर सेंट्रल होलो स्पेस होता है जहाँ पे कि हम जो अपना डीएनए है उसको इंसर्ट कराते हैं so these liposomes हैव बीन सक्सेसफुली यूज इन mammalian सेल्स फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड ड्रग्स etc लिपोजोम्स कैरी द जीन्स जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम जो हॉलो स्पेस है उसमें जीन्स जो डिजायर्ड डीएनए है उसको इंसर्ट कर सकते हैं एंड फिर ये क्या होता है फ्यूज़ करता है विद द प्रोटोप्लास्ट या फिर जो एनिमल सेल्स हैं उनके साथ में अगर आप प्लांट्स के केस में ले रहे हो तो हम प्रोटोप्लास्ट का यूज़ करेंगे अंड फिर ये जो जीन्स होते हैं या जो डी एन ए है वो ट्रांसफ़र हो जाता है अभी हम डायग्राम से देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा सो यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास है प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट क्या होता है जब आप प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव कर देते हो तो जो सेल बच जाता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है लाइपोजोम है इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो लाइपोज है और लाइपोजोम के अंदर क्या है प्लाज्मेट है यानी कि जो आपका डी एन ए है डिज़ायर्ड डी एन ए है वो है तो सबसे यहाँ पर क्या होता है कि जो लाइपोज होते हैं ये अटैच होते हैं टू द सर्फेस ऑफ द प्रोटोप्लास्ट उसके बाद में इनका फ्यूजन होता है जैसे ही फ्यूजन होगा अब इनके अंदर क्या है क्या भरा हुआ है इनके अंदर डी एन ए भरा हुआ है प्लाजमेट भरा हुआ है या फिर जो भी डिज़ायर्ड जीन है वो यहाँ पर भरा हुआ है तो जैसे ये फ्यूज़ होंगे विद द प्रोटोप्लास्ट तो फ्यूजन जैसे ही होगा तो इनके अंदर का जो भी मटेरियल था वो अंदर पहुंच जाएगा सेल के तो जो आपका प्लाज्मिड था वो क्या हो, चला गया अंदर चला गया सो so, अगर हम एनिमल सेल के केस में देखें अभी जो मैंने आपको बताया वो प्लांट सेल के केस में था अब एनिमल सेल के केस में अगर आपको लाइपोफेक्शन यूज़ करना है तो यहाँ पे देखिए लाइपोजोम है लाइपोजोम क्या होता है फोर्सफोलिपिड की बाइलेर है और उसके अंदर का जो पार्ट है सेंट्रल जो स्पेस है वो क्या होता है होलो होता है तो इसके अंदर जो भी हमारे डिज़ायर्ड जीन्स है या प्रोटीन्स है जो कि आपको डिलीवर करने हैं तो वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं तो अब ये क्या बन गया हमारे पास लिपोजोम एसिड कॉम्प्लेक्स बन गया या फिर लिपोजोम प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन गया अब ये क्या करेगा ये फ्यूज़ कर जाएगा विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल जो होस्ट सेल है उसके साथ में क्या कर जाएगा फ्यूज़ कर जाएगा अब इस डायग्राम में जो सेल है वो है कैंसर सेल और ये जो जीन आप यूज़ कर रहे हो या जो प्रोटीन यूज़ कर रहे हो वो क्या है एंटी कैंसर कोई प्रोटीन है सो so, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है डिलीवरी ऑफ एंटी कैंसर एजेंट बाय द लाइपो फेक्शन तो इस लिपोजोम के अंदर हमने एंटी कैंसर एजेंट को डाल दिया एंड उसको अब हम क्या कर रहे हैं इंसर्ट करा रहे हैं ट्रांसफर करा रहे हैं इनटू द कैंसरस सेल सो क्या हुआ यहाँ पे जो लिपोजोम एसिड कॉम्प्लेक्स जो आपका बना था वो फ्यूज़ हो गया विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल एंड जो जो डिज़ायर्ड डीएनए था या जो डिज़ायर्ड जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो एंटर हो गया हॉस्ट सेल के अंदर सो लिपोजोम्स आर द स्फीयर सराउंडेड बाय द लिपिड बाइलेयर दे कैन बी फिल्ड विद डीएनए और प्रोटीन्स सच एज द टीएनएफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हो लिपोजोम जो है वो इंटरेक्ट करेंगे फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ हॉस्ट सेल की बिकॉज बोथ हैव द हाइड्रोफोबिक लिपिड लेयर्स एंड वंस इन कॉन्टैक्ट ये जो लिपोजोम होगा वो मर्ज हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा विद द सेल मेमब्रेन एंड जो भी इसके अंदर का मटेरियल था जेनेटिक मटेरियल जो ये कैरी करके लेके आ रहा था वो जो हमारा हॉस्ट सेल है उसके अंदर पहुँच जाएगा सो so इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा नाओ अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एडवांटेजेस क्या है क्योंकि जो डीएनए है वो अनकेप्सुलेटेड है इन द लिपोजोम्स जैसे ये हमारा क्या था ये हमारा था लाइपोजोम ठीक है इसके अंदर डीएनए जो है वो एनकैप्सुलेटेड है तो वो क्या है प्रोटेक्टेड है फ्रॉम द एनवायरमेंटल डैमेज वो जो डीएनए है वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि वो एक शेल के अंदर प्रेजेंट है एक लिपोजोम के अंदर वो पैक्ड है ना इसलिए वो डीएनए क्या है प्रोटेक्टेड है सो so, dna remains stable and स्टेबल एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर in इन द लिपोजोम प्रायर टू द ट्रांसफर to टू अ वाइड रेंज ऑफ cells से प्लाट सेल्स और एनिमल सेल्स में भी आप लाइफेक्शन को यूज कर सकते हो डिसएडवांटेज क्या है डिफिकल्टी विद रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड प्रोटोप्लास्ट ट्रांजियन जीन एक्सप्रेशन ट्रांजियन जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ नॉट स्टेबली इंटीग्रेटेड इनटू द हॉस्ट सेल जीनोम जो भी आपका जो जेनेटिक मटेरियल आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे वो स्टेबली इंटीग्रेट नहीं हो पाया इन द हॉस्ट सेल जीनोम उसके बाद है रिस्क ऑफ लिपोज़ोम एग्रीगेशन एग्रीगेशन हो सकता है अगर लिपोज़ोम का एग्रीगेशन हो गया तो उससे क्या होगा जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूज़ हो जाएगी सो so, इट विल रिजल्ट इन रिड्यूजिंग द इफेक्टिवनेस इन द डिलीवरिंग जेनेटिक मटीरियल तो इसके लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ताकि लिपोजोम का एग्रीगेशन ना हो आप क्या कर सकते हो प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए और जो है स्टोरेज भी यहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए प्रॉपर हैंडलिंग अगर आप करोगे तो फिर जो रिस्क ऑफ लिपोजोम एग्रीगेशन है वो कम रहेगा एडवांटेजेस क्या है कि ये थोड़ा इजी है यूज़ करने के लिए जो जीन ट्रांसफ़र मेथड है इसको आप प्लांट सेल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो एनिमल सेल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि डीएनए एक पैक्ड तरीके से अंदर बैठा हुआ है इनसाइड द लिपोजोम वो सराउंडेड है विद द बाई ऑफ द लिपोजोम तो वो प्रोटेक्टेड है बाहर के इन्वायरमेंट से बाहर के डैमेज से सो so, इसलिए वो स्टेबल रहता है इनसाइड द लाइपोजोम सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइपोफेक्शन अगर आपको बाकी के जीन ट्रांसफ़र मेथड्स पढ़ने हैं जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन माइक्रो इंजेक्शन पार्टिकल बम्बारमेंट पीईजी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स Thank you and have a great day.